जिलों का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनया है, हर 15 दिन बाद मैं डिपू की सफाई अभियान शुरू किया है। हर बस स्टैंड से जाने इदू पहला लुधियाना, अमृतसर और अज बठिंडा। सो देख रहे हैं कि निरंतर सफाई जी मुहिम चलती रहे। ये कोई ये नहीं कि 15 दिन बाद सफाई होनी है, ये चीज संबोलिक मैसेज देने हैं कि 15 दिन बाद तो साढ़े GM अज छुट्टी वाला दिन है, तमाम अधिकारी उपलब्ध रहेंगे बस स्टैंड के अंदर, पर निरंतर सफाई होंगी रहे। सो मैनू अज खुशी हुई अज बठिंडा डिपू जाके काफ़ी जी हालात सुधरे हुए ने। पानी की लोगों ने दिक्कत दसी है, कुछ होर निक्किया निक्किया दिक्कत दसी हैं, वो मेरा ख्याल GM साहब ने विश्वास दवाया कि असी अगले हफ्ते दे विच ये सारा मुकम्मल सोना, जिवें यूरिनल मैं देखे उत्थे थोड़ा जा घाट सीगी, हालांकि वो म्यूनसिपल कारपोरेशन दे, पर मैं आख्या म्यूनसिपल कारपोरेशन नूं छड्डो, असी आप ही उन्होंने वधिया ठीक कर लाँगे जरा बाहर रंग रूंग होने वाला है, सफाई होने वाली है। सो इस मुहिम के तहत अज मैं बठिंडा विखे आया सी। होर कोई मसला IITBP नूं लैके जिहड़े बसां दा चल रिहा विवाद लगातार तुहाडे निशाने साधे जा रहे ने आम आदमी पार्टी वल्लों, कहिंदे वी पंजाब च पहिलां आउंदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधार, दिल्ली च बाहर गल करा जाए। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम साडा तो सुधरिया पिआ है, 54 लाख रुपया सानूं मुनाफा हो रहा है, असी सुधार बारे जां ना सुधार बारे तो कोई गल ही नहीं हो रही। इस तरह कहने कि प्राइवेट ऑपरेटर्स ने जिहड़े वड्डे वड्डे सरदार है जिन्हां दे खिलाफ आके केजरीवाल भाषण दिंदे ने, उन्हां लोगों दीआं बसां एयरपोर्ट तक जांदी है, लेकिन सरकार दी बस एयरपोर्ट तक नहीं जांदी। राजस्थानों बस आउंदी है, सानूं बड़ी खुशी है कि राजस्थान सरकार दी बस है। राजस्थान सरकार मतलब लोगों की बस है, ये PRTC आम लोगों की जनता की बस है, ये जिहड़ी रोडवेज है ये जनता की बस है। सो केजरीवाल जो जनता की गल करते हैं, अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होवां तो मैं बिना परमिट तो सरकार की बस भी चला सकता है। किहड़े नॉर्म्स की गल करते हैं, सरकार की चल रही है ना, किहड़ा राजे बिड़िंग की चल रही है। सो जे वो पंजाब नूं प्यार कर रहे हैं, मैनूं 20 दिन हो गए चिट्ठी लिखी नूं, लेकिन चिट्ठी का कोई जवाब नहीं है। मैं केंद्रीय मंत्री नूं चिट्ठी लिखी, वो कहिंदे साडे नहीं, मोस्ट वेलकम, असीं तुहाडा एग्रीमेंट रीन्यू करते हैं। मैं ट्विटर पर पाया, लेकिन तुसीं दिल्ली सरकार नूं गुजारिश करो, दिल्ली सरकार ने सरकार की बस इंपाउंड कर, वेखो तरासगी, सरकार की बस भी कोई इंपाउंड करता होंगे जे पंजाब के लोगों का प्यार हो। केजरीवाल साहब ना ये मौसमी बरसाती काम करते हैं, तो जो इन्हों पता लगता कि इलेक्शन आने वाले उदो फिर आ जाते हैं। अंग्रेज सरकार भी इन्हां ने बेहतर कहलाती, उदो भी कोई आवाज सुनाई दिंदा सी, सुनदा सी, वो भी पांच बंदियां दा वफद मिलदा हुंदा सी, लेकिन अज औरंगजेब नूं लोगां ने भुलाता, अज अंग्रेज सरकार नूं चंगा कुआता भाजपा दी सरकार ने, यह बिना किसानां तों इक नवां पंजाब बनाउण दी कोशिश कर रहे ने भाजपा नाल। ते मैं तां उह पहले दिन कहा कि कैप्टन साहब कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर ने, बादलां नाल उहनां ने कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं 54 लाख रुपए का मुनाफा 4.5 साल पहला हो जाना चाहिए सी, अज जो मैं काम करदा पहला हो जाना चाहिए सी। डुबाल ने सरकार चलाई, ये मन दे विच पहला सी कैप्टन साहब दे कि मैं 5 साल बाद मैं सरकार दे नवी सरकार असी बनावांगे, इहनूं छड के ते मुड़ के भाजपा नाल यूज करांगे सारा कुछ। बड़िंग साहब हरसिमरत ने बयान जारी किया गया, बस चेक कीती है, बस हरसिमरत कौर बादल ने बयान जारी किया है भी कांग्रेस का अज के समय में कमेडी शो कर रही है, सोनी टीवी बॉम्बे तो आके शो करके जाना चाहिए, सीरियल इन्होंने तैयार करना चाहिए। सिद्धू हैगा, जम्मी हैगा, फोटो शूट हैगा, बड़िंग साहब भी फोटो शूट चले पे, सफाई लगे पे। हरसिमरत कौर बादल का की कहना है, क्योंकि उन्होंने तो असी सफाई तो कर रहे हैं ना, कूड़ा कंकर चक रहे, उन्होंने तो पंजाब की सफाई कर, सारा परिवार है उन्हें दिल। कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब व्यक्ति आम सधारण पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित किया है, उन्हें दिल। 5 वारी सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने, 2 वारी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर रह गई है, केंद्रीय मंत्री ते डिप्टी मुख्यमंत्री सुखबीर रह गया है, हरसिमरत का भरा रह गया मजीठा, मंत्री रह गया जवाई रह गया, अगर उन्होंने दिल हैगा तो किसी आम व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री अनाउंस कर, अगर अकाली दल की सरकार आएगी तो साडा मुख्यमंत्री का चेहरा बादल परिवार चो नहीं किसी होर चो होगा, दिल हैगा
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ PRTC ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਨਿਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ 842 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ 842 ਬੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 300-400 ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ PRTC ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਧੱਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਾ ਜੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੀਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਧਰੋਂ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਬੱਸ ਬੱਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਟੈਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰੋ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੱਥ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ